दूसरा उपन्यास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर लिखा, जिसके 53 एडिशन छप गए, रिकॉर्ड है 53 जी। और हो सकता है राहुल सांकरतैन के बाद दुनिया मुझे याद करे, मैं सेकंड हूंगा, सेकंड मान ले राहुल सांकरतैन जितना घूमे उनको देखते हुए मेरा दूसरा नंबर होगा। अभी 4-5-6 साल और मेरी उम्र है, तो अथाह घूमा हूँ, रेलवे में एडवाइजर रहा, मैं घूमा पूरा देश, रेलवे बोर्ड में जी। अच्छा, कब? हिंदी समिति के उसमें, जो अच्छा। रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार और ममता जी, तीनों ने मुझे लाइक किया। बेसिकली मैं राइटर हूँ, मेरठ की और दिल्ली की यात्रा हो गई, दिल्ली में बहुत कुछ मिला, नौकरी की 18 नौकरी करके छोड़ चुका हूँ। 18 नौकरी जी, उसमें 10 तो सरकारी नौकरी रही, और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में 3 साल एडिटर रहा, 3.5 साल चीफ एडिटर रहा। बाबा साहब के वॉल्यूम्स जो है अंग्रेजी में जो कराने होते थे वो मैं कराता था। अच्छा, वहां से सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका निकाली, मैंने खुद अनुवाद किया फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म बाबा साहब का। माननीय कांशीराम जी जो बहुजन संगठक अखबार निकालते थे, आई वाज एक्टिंग एडिटर, ओ सब कुछ मैं ही करता था। तो आकाश की साधु ही आपको न्योता है कि नहीं? दलित साहित्य की बात हो और मोहनदास निमिषराय का नाम न आए तो समझिए दलित साहित्य अधूरा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज अंबेडकरनामा में मोहनदास निमिषराय साहब आए हैं और थोड़ा सा परिचय देता हूं, उसके बाद इनसे बातचीत शुरू करूंगा। 60 किताब लिख चुके हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, दो भाषाएं हैं, हिंदी भी जानते हैं अंग्रेजी भी जानते हैं, बोलते भी हैं लिखते भी हैं। इनके कामों के ऊपर जो उन्होंने राइटिंग्स की है उस पर 140 लोगों ने PhD कर ली है, और इनके ऊपर, इनके लाइफ स्ट्रगल राइटिंग से ऊपर 22 डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बन चुकी है। ठीक कह रहा हूँ सर? जी जी। तो इसलिए इनके पूरे अनुभव को साझा करना बेहद जरूरी है और आपसे रूबरू कराना, अपने अंबेडकरनामा के दोस्तों से रूबरू कराना बेहद ही जरूरी है। अभी इनकी लेटेस्ट किताब है, लेटेस्ट ही है, हिंदी नहीं, पहले से है। अच्छा, हिंदी दलित जीवन कथाएं, ये किताब मेरे लिए लेकर आए हैं, और इसके साथ साथ ये चलाते हैं हिंदी मासिक। हाँ। ये हिंदी मासिक में बयान चलाते हैं, और अगर आप इनकी इनको पढ़ना चाहें तो आप गूगल में चले जाएं, मोहनदास निमिषराय टाइप करें, इनकी किताब वहां दिखेंगी, आप अमेजन से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो आज चर्चा करता हूं उनके जीवन, लाइफ स्टाइल, काम करने के तरीके, कहाँ काम करते थे, कैसे लिखने में रुचि हुई, कैसे इतनी 60 किताबें बहुत होता है जीवन में, अगर 5-10 किताबें भी ढंग के लिख दी जाए वो भी बहुत बड़ा क्रेडिट की बड़े क्रेडिट की बात है। 60 किताबें लिख चुके हैं। निमिषराय साहब, स्वागत है अंबेडकरनामा में। जी जी, धन्यवाद। बताएं जरा हमारे दोस्तों को। देखिए, ऐसा है कि अब मेरा जीवन तो खुली किताब हो गया है। तो क्योंकि लंबा समय हो गया मेरठ से जब दिल्ली की तरफ आया। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत अनुभव हुए, और मैं तो लेक्चरर था मेरठ में। अच्छा, लेक्चरर थे जी। 70 के दशक में मैंने परमानेंट नौकरी छोड़ी, डिफेंस डिपार्टमेंट की जो ऑर्डिनेंस डिपो होता है उसके अंदर इंटर कॉलेज में मैं लेक्चरर था, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाता था। क्या बात है। 76-77 जी, माननीय कांशीराम जी जो बहुजन संगठक अखबार निकालते थे, आई वाज एक्टिंग एडिटर, वो सब कुछ मैं ही करता था। तो आकाश की साधु ही आपको न्योता है कि नहीं? वो जी बताएं। उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं कुछ सकारात्मक चीजें आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं राइटर हूँ, मेरठ की और दिल्ली की यात्रा हो गई, दिल्ली में बहुत कुछ मिला, नौकरी की 18 नौकरी करके छोड़ चुका हूँ। 18 नौकरी जी, उसमें 10 तो सरकारी नौकरी रही, और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में 3 साल एडिटर रहा, 3.5 साल चीफ एडिटर रहा। बाबा साहब के वॉल्यूम्स जो है अंग्रेजी में जो कराने होते थे वो मैं कराता था। अच्छा। वहां से सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका निकाली, मैंने खुद अनुवाद किया फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म बाबा साहब का बुक।
अच्छा जी, जितना दिन से मिलता हूँ आप सब नहीं नहीं मैं तो काम करता हूँ देखिए, और घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैं सैलानी की तरह काम करता हूँ, यायावरी मेरे खून में है, लिखना और पढ़ना। राहुल सांकृत्यायन के चले हैं? राहुल सांकृत्यायन की बात आपने कह दी, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और हो सकता है राहुल सांकृत्यायन के बाद दुनिया मुझे याद करे, मैं सेकंड हूंगा, सेकंड मान ले राहुल सांकृत्यायन जितना घूमे उनको देखते हुए मेरा दूसरा नंबर होगा। अभी 4-5-6 साल और मेरी उम्र है तो अथाह घूमा हूँ, रेलवे में एडवाइजर रहा, मैं घूमा पूरा देश, रेलवे बोर्ड में जी। अच्छा कब? हिंदी समिति के उसमें जो अच्छा। रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार और ममता जी तीनों ने मुझे लाइक किया, पूरा देश घूमता रहा। उसी दौरान भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 4 खंडों में राधा कृष्ण के लिए काम किया। पहली किताब है किसी भी भाषा में आप समझ लीजिए, उससे पहले और अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ। 300 साल का इतिहास लिखा, जाके गांव-गांव कस्बे में शहरों में राजाओं की पुरानी फाइलें देखी मैंने, 4 खंडों में भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, जिसमें 300 प्रोफाइल हैं, 300 लोगों की प्रोफाइल हैं, माने बाबा साहब से पहले, बाबा साहब के समकालीन और बाबा साहब के बाद, 300 लोगों की प्रोफाइल, रात दिन पागल की तरह घूमता था मैं। तो ये काम जीवन में मैंने पूरा जीवन लगाया और उसकी मुझे उपलब्धि मिली। 18 नौकरी आप छोड़ चुके हैं आजकल तो लोग एक नौकरी के पीछे पागल रहते हैं। घर में और कौन कौन है? मेरा बेटा वो 14 साल पहले यूनाइटेड नेशंस यूएनओ में उसको जॉब मिला, उसकी वाइफ को मिला, वो 3 साल रहा, उसके बाद ट्रांसफर हो गया, फिर नेपाल आ गया, पोलैंड आ गया, मोम्बासा आ गया, मोम्बासा में गया था तो उसकी वाइफ भी सर्विस में है। मेरी मिसेज रिटायर्ड हो गई, टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइजर थी। अच्छा। बेटी की शादी हो गई, छोटा बेटा अभी काम कर रहा है अपना, तो और बिजनेस कर रहा है? नहीं, काम करता है वो, और मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ। तो बच्चे लिखने पढ़ने वाले फील्ड में नहीं है? बच्चे, बड़ा बेटा तो मैंने बताया कि वो यूनाइटेड नेशंस में है और कभी कभी आता है, और मिसेज रिटायर्ड हो गई, मिसेज मेरी पढ़ती थी मेरी किताबें, और उसकी एक बिल्कुल मैं आपने ये कर दिया, क्या मुझे खरीदोगे एक नाटक किया मंडी हाउस में। अच्छा। 4 प्ले मंडी हाउस में कर चुका हूँ, ओमप्री शो देखने आते थे, फोटो खींचे हुए मेरे साथ। अच्छा। बम्बई से। क्या बात है। तो क्या मुझे खरीदोगे, वो पहले मैंने उपन्यास लिखा, उसके बाद उसकी नाटक स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद फीचर फिल्म बननी शुरू हुई, एड लैब बम्बई में उसका बड़ा खूबसूरत कार्ड बना, लेकिन 10 रीलों के बाद वो रुक गया। तो वो क्या मुझे खरीदोगे जो उपन्यास लिखा, तो मैंने अपनी मिसेज को दी जब वो सर्विस करती थी, पहले उसने पढ़ा, वो इतना दिलचस्प और दिलकश नावल था कि उसने किसी सहेली को दे दिया, उस सहेली ने उसको दूसरे को दे दिया, तीसरी ने चौथी को, सारे ऑफिस के अंदर माने टेलीफोन एक्सचेंज में उसको वो फेमस हो गई। नैमिष राय की मिसेज शकुंतला देवी हैं। अच्छा। क्या बात है। अच्छा, आप इतना लिखते हैं और घर में मैडम से झगड़ा वगैरह नहीं होता है? क्योंकि लिखने में मैडम से झगड़ा बहुत होता है। क्या रिएक्शन होता है आपके उसके? माने दो कारण है, एक तो थोड़ा सा रिलीजियस है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, और जैसे होती महिलाएं, दूसरे यह है कि आप मेरी किताबों को समय नहीं देते हैं, और आपको मैं बताऊं ये मेरा पूरा कमरा काफ़ी बड़ा है, किताबों से तो भरा हुआ अलग बात है, किताबें के साथ सोता हूं मैं। ऐसे तो मैसेज कई बार आ गई, कहते आप इनको ऐसा करो कि इनको बाहों में ले लो किताबों को, नाराज होकर एक बात बोली कि मैं किताबें फैली हुई हैं, मैं लेटा हुआ हूँ वहीं, पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, क्यों? तो वो नाराज इसलिए होती हैं कि आपका रिश्ता किताबों से है या मुझसे है। क्या बात है। ये है खेल मोहब्बत।
क्योंकि वो लिखने में मैं तो छोटा मोटा लेखक हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि लिखने में बहुत ही कंसंट्रेशन और टाइम कंसंट्रेशन करना पड़ता है और उसमें महीनों लगते हैं एक आर्टिकल लिखने में। उसमें जो समय मतलब अभी मैं बता दूं आपको जो आपने कहा महीनों नहीं सालों लग जाते हैं सालों लगते हैं। निजाम कहानी छपी थी हंस के दलित विशेषांक में। अच्छा। जिसमें जेल जीवन पर जो स्थिति होती है दलित और पिछड़ों की जेल के अंदर उनके साथ कैसा व्यवहार होता पहला उपन्यास है। तो बंबई कानपुर से अमन प्रकाशन वाले आए थे बहुत फेमस है। उन्होंने 10,000 रुपया मुझे एडवांस दे दिया कहानी पढ़ के। वो उपन्यास आ रहा श्रीमान जी और उसका 8-10 साल लोगे लिखते लिखते अब आएगा। जेलों के अंदर गया हूँ समय 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 लगता है तो उसको समय लगता है और मैं शोध करता हूँ और उस पर मेरा उपन्यास अभी गया के पिंडदान होता है मैं गया रहा हूँ और खुद ब्राह्मणों के घरों में रहा। ब्राह्मणों में जो जातिवादी लोग हैं उनको मैं गालियां देता था वहीं बैठ के ब्राह्मण के मकान में और वो अप्रिशिएट करता था आदमी माने जो मेरा दोस्त था। तो सवाल है कि वहाँ खुद गया महीनों महीनों गया वहाँ था उसके बाद वो गया में एक अदद दलित ऐसा उपन्यास छपा। अच्छा जी एक अदद दलित गया में एक अदद दलित कितने पेज का है वो ज़्यादा नहीं आपको उपलब्ध करा देंगे लेकिन बहुत पूरी गया की जो है गया में मतलब मैंने लिखा है कि गया दुनिया का सबसे गंदा शहर है। माने हम तो पुराने वाले गया में जाते भी नहीं हैं वो जाने में अनकंफर्टेबल लगता है। नहीं पुराने में ही जाना जरूरी है वहीं जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं तमाम जो तिलकधारी हैं और ये और उनके वो देखे हमने उनके गेस्ट हाउस देखे गेस्ट चैम्बर्स की तरह जो जो ये आते थे वहाँ घूमने के लिए या पिंडदान कराने के लिए 10 अगर लोग रुक सकते हैं एक घर में तो वहाँ 30-40 को रुकवा देते थे और उनकी खाल नोचते थे। गली है संकड़ी गली है गलियां हैं कमरे छोटे हैं और अजीब वो मतलब माहौल मैं गया अंदर उसके बाद मैंने जाना छोड़ तो वो मैंने उपन्यास लिखा। दूसरा उपन्यास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर लिखा जिसके 53 एडिशन छप गए रिकॉर्ड 53 जी कहां से छपा हिंदी का पहला उपन्यास वो क्या है उसकी एक जबरदस्त कहानी ये है कि वो मैंने खुद छपाया। मुझे आर के सिंह शाहदरा में रहते हैं उन्होंने 11,000 रुपया दिया छपने से पहले। अच्छा 305 पेज का उपन्यास है 75 रुपए कीमत रखी खाली और हाथों हाथ बिका झोले में भर लेता था गांव गांव जाता था और मैंने खुद पहला जो छपा 1100 कॉपी दूसरा छपा 1100 कॉपी अक्टूबर 2012 से शुरू हो गया पूरे देश में गया भाई। नहीं अभी किताबों का प्रमोशन अंबेडकर नामा पर होगा और जो भी साथी सुन रहे होंगे अंबेडकर नामा जी 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 वो आप जाएं और गूगल पे टाइप करें मोहनदास निमिषराय आपको इनका पूरा जो है डिटेल्स आ जाएगा। और आज इनकी मेरे पास एक किताब है दलित जीवन कथाएं क्या है इस किताब में सर मैं पढ़ूंगा इसको। ये आत्मकथा चूंकि मेरी खुद आत्मकथा हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे आपकी है जी हिंदी की पहली आत्मकथा उसके बाद सुनिए नहीं ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर भगवान दास जी की आत्मकथा को पहली आत्मकथा लोग कहते रहे हैं लेकिन डॉक्टर भगवान दास जी वो मेरे बहुत अच्छे ये रहे हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है ये मेरे समाज की आत्मकथा है उसमें एक इतिहास है संस्कृति है उसको लेके तो वो एक तकनीकी पॉइंट से मैं कह रहा हूँ कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 95 में छपी 95 पहली आत्मकथा और उसमें मैंने लिखा आप समझ दीजिए और वो कम से कम लगभग 40 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई 40 यूनिवर्सिटी को प्लस करें कितने कॉलेज होते हैं आप जानते हैं बताने की जरूरत नहीं है उसमें जो मैंने लिखा कि मैं मंदिर में पेशाब करता हूँ मेरे लिए मंदिर पेशाब घर है वो क्यों लिखा क्योंकि मैं बचपन में जब मंदिर में जाता था तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रसाद दिया उसने पुजारी ने और वो मिट्टी में गिर गया
तो हमने प्रसाद मांगा दोबारा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप नीचे से उठाओ। मैं कि नहीं, मैं नीचे से नहीं उठाऊंगा। तो उसने नहीं दिया, वहीं थूक के आया मैं मंदिर के अंदर, और फिर ये कहा कि मंदिर मेरे लिए पेशाब घर है और मैं रोज आऊंगा यहाँ पेशाब किया करूंगा। ऐसे बोलिएगा तो आजकल तो केस हो जाएगा, जेल में डाल हो जाने दो केस। हो जाने दो, मैं तैयार हूँ, जेल में बैठ के लिखूंगा क्यों। चलिए, इसमें क्या है किताब, इसमें आपने ये ऐसा है कि हिंदी में जो दलित आत्मकथाएं छपी है ना, उनका भी उनका एक ब्यौरा है जी, उनकी समीक्षाएं हैं, उनका इतिहास है, मुर्दैया के बारे में भी आपने बात, हाँ इसमें है जी, सुरई ससाई किया नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो नाम पढ़े हैं जो जो यूपीएससी के चेयरमैन रहे डॉक्टर सहारे, डॉक्टर सहारे की भी आत्मकथा का जिक्र है। दलित समाज का आदमी यूपीएससी का चेयरमैन बनता है। अच्छा जी, कब? वो मेरे मित्र रहे हैं भाई, इसी में है, आप पढ़ लेना बाद में, महाराष्ट्र के रहे हैं और इंदिरा गांधी को तो मैडम करके बोलते थे वो, और बाबा साहब के साथ रहे। अच्छा ये बताइए, आजकल जो है ना दलितों में चेतना बहुत ज्यादा जाग रही है, साहित्य को लेकर भी या राजनीति को लेकर भी बहुत ज्यादा चेतना जाग रही है। ये चेतना अल्टीमेटली जो है, जितना ज्यादा चेतना जगते रहा, वो आरएसएस बीजेपी कैसे मजबूत होते रहा दक्षिण पंथ? नहीं ऐसा है, ये चेतना, चेतना से ही उनको मजबूती मिली, आप समझ लीजिए उसको। मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि एक जगह आग लगी हुई है, पहले लोग शांत बैठे हुए थे, मैं अब उसका उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे उत्तर दिशा में आग लगी हुई है, आग लगने वाली या लगी नहीं अभी, और उसके दूसरी तरफ आदमी बैठे हुए हैं आराम से, ठीक। अब आग लगनी शुरू हुई तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, तो चेतना को मैं फायर से वो कर रहा हूँ कंपेरिजन। जब चेतना आई तो वो लोग धीरे धीरे समझे, फिर तेजी के साथ समझे भाई आग कैसे लगी हुई है। दलितों में जितनी चेतना आई, आधे से जो भाजा वो मजबूत होती चली गई। मजबूत होने का मतलब है कि उन्होंने ये सोचा भाई अब हमारा अंत आने वाला है, तो हमें कुछ करना चाहिए, साम दाम दंड भेद नीति से। ओबीसी को हिंदू बना लिया, दलित को भी हिंदू बना। ओबीसी तो ऐसा है था, ओबीसी तो पहले से हिंदू रहा है, मेरा मानना है, मैंने आर्टिकल भी लिखा जनसत्ता में, बहुत बड़ा आर्टिकल छपा 6 कॉलम में, मैं जनसत्ता के लिए लिखता था, नवभारत टाइम्स के लिए लिखता था, और नवभारत टाइम्स में दिल्ली देहात कॉलम लिखता था श्रीमान जी, 100 गाँव कवर किए मैंने, उस पर किताब भी आ गई है, सारे लेखों का संकलन। तो सवाल है कि ओबीसी तो पहले से हिंदू रहा है, क्यों भाई? ये तो मंडल के बाद, और मंडल पे मैं आपको बताऊं कि 4 किताबें मंडल पे हमने लिखी, मैं लोकायन में रजनी कोठारी के साथ काम करता था, मंडल को कैसे समझे, कोठारी साहब के साथ जी, आत्मदाह संस्कृति उस पर अलग किताब आ गई, आरक्षण पे अलग के रामधन जी ने उसका विमोचन किया, दलित उत्पीड़न किताब आ गई, रामधन जी ने विमोचन किया जब वो SC ST कमिश्नर थे, चेयरमैन थे ना। रजनी कोठारी मेरे स्कूटर में बैठ के जाते थे लोकायन से CHDS, आपको बताएं CHDS मेरे घर के बगल में है। नहीं वो लोकायन तो उधर था, एक्सचेंज स्टोर सड़क से इधर और वहां से थोड़ा चलना पड़ता था कभी कभी, तो मैं स्कूटर चलाता 2-व्हीलर उस समय, तो CHDS जाना होता था, मेरे पीछे बैठ जाते थे, तो सब उससे संबंध थे, धीरू भाई सेठ और ये उसका, भाई सेठ से मैं मिला, उसका बेटा स्मृति कोठारी, बाद में डेथ हो गई थी, और बाद में जो वो डेविड वो वहाँ जो शिमला में चेयरमैन बन गए थे वो वहाँ फेलो थे, बाद में फिर शिमला चला गया मैं एडवांस इंस्टीट्यूट में, फेलो रहे वहाँ, फेलो रहा 2007 से 2009 के, वहाँ भी मैंने हड़कंप मचाया, किताब आ गई मेरी, हड़कंप मचाना जरूरी है। नहीं, हड़कंप मचाना इसलिए जरूरी है, देखिए बहुत सारे लोग अभी स्लीपिंग है, माने कुछ करते हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है उनके अपने अपने ये हैं, लेकिन भाई ये तो समय है, असली लड़ाई तो किताबों से ही होगी ना, असली लड़ाई किताबों से ही होगी,
राइटिंग से होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं किताबों का आदमी हूं और मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि किताबों के माध्यम से ही जो समाज है उसके अंदर चेतना जागृत की जा सकती है। जो आदमी किताब नहीं पढ़ता वो मदद है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी आदमी हो। लेकिन ये भूल जाते हैं हमारे जो पॉलिटिशियन हैं दलित समाज के विशेषकर, कि वो किताबों से उनका नहीं, किताबों से मतलब, और भी मैं इसके आगे की बात करूं, जो राइटर है उनसे मतलब नहीं रखते। राइटर का सम्मान करेंगे, चाय पिलाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, जय भीम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन राइटर से उतना ही संबंध रखेंगे। ये भी मेरे अनुभव, मैं तमाम लोगों के साथ रहा हूं। दलित पॉलिटिशियन जो है वो समझता है कि हमें ज्ञानी है सबसे ज्यादा। नहीं, उसका एक कारण तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, दूसरा कारण यह है कि राइटर उनको किताब दे सकता है, राइटर के पास क्या है भाई। पॉलिटिशियन को तो और भी कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, मदद भी चाहिए, प्रदर्शन में आने के लिए उनको लेमैन भी चाहिए। क्यों, मैं आपको बताऊं कि गुजरात जब पीएम थे, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन शताब्दी समारोह समिति का मेंबर था। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डिप्टी मिनिस्टर का ये होता है, मैं मेंबर था। पार्लियामेंट एनेक्स में मीटिंग होती थी, मेरे बाजू में जो राज्यपाल बैठते थे, कोई भी अंदर जब जाए तो सब एक मुख्यमंत्री बैठते थे, मीटिंग होती थी, वीपी सिंह उसके वो थे। तो बाद में फिर चुनाव के लिए मुझसे बात की, भाई देवनगर तो सुरक्षित था, और जनता दल की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का मेंबर था, क्यों। लेकिन मैंने कबूल नहीं किया राजनीति में कभी भी आने के लिए, ये आप समझ लीजिए। तो हमारे दलित पॉलिटिशियन पढ़ने लिखने से एलर्जी है जी है? अधिकांश लोगों को अब लगता है कि लेखक, इतिहासकार, ये लोग ऐसा कोई काम नहीं चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, माने वो नहीं उस तरह से नहीं। ये मेरा बहुत कड़वा अनुभव है। मोहनदास जी हैं और आज परिचय करा रहा हूँ, आप सब जानते हुए हूँ पहले से, इनकी किताबों पर लगातार मैं चर्चा सीरीज चलाने वाला हूँ। ये किताब इस पर विस्तृत चर्चा बाद में करूँगा, आज सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किताब को। 60 किताबें हैं, 140 PhD इनके कामों पर हुआ है, इनके कई फिल्म बन चुकी है। फिल्में बहुत बनी, अभी दर्द एक मेरी कहानी थी, इलाहाबाद दूरदर्शन ने फिल्म बनाई। अच्छा, दर्द पूरे एक घंटे की फिल्म, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। और आज बाजार बंद है, जो देवदासियों से लेके जो जिनको आजकल सेक्स वर्कर बोलते हैं, उन पर बड़ा उपन्यास मैंने लिखा। सर्वे किया, कर्नाटक गया, सोनदत्ती पहाड़ियों पे गया, गोवा गया, वहाँ की उनकी व्यथाएं देखी, सुनी, पढ़ी। उस पर अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य अकादमी के जो ये रहके हैं माने डायरेक्टर, वो खुद ब्राह्मण है, उन्होंने नाटक की दो शो की। अच्छा? लखनऊ में। क्या बात। नेहा शर्मा बंबई में उसने शो किया, फिल्म बनाई, आज बाजार बंद है। झलकारी बाई पे उसने फिल्म बनाई, नेहा शर्मा ने बंबई में, वीरांग ने झलकारी बाई पे। तो मेरी जो कितनी किताबें हैं और उस पर काम हो रहे हैं, मैंने उस तरह से, क्यों, यही मेरे लिए उपलब्धि है। ये अजर अमर रहता है ये सब काम। लेकिन ये तो देखिए ऐसा है कि माने मैं आपको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा शब्द मेरे कड़वे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को, चाहे वो पॉलिटिशियन कोई भी है, कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाएंगे। इतिहास में हम लोग रहेंगे, इतिहास में हम अमर रहेंगे, अंबेडकर नामा भी रहेगा। अंबेडकर नामा तो इतिहास का काम कर रहा है। अरे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आप क्योंकि ज्यादातर लोग आज के लिए सोच रहे हैं, भाई आज क्या माल मिलेगा खाने को आज, और लेखक वो बात की सोचता है। तो फर्क केवल ये होता है कि लेखक में वो आज की नहीं सोचता, वो भविष्य की सोचता है, भविष्य का निर्माण करता है, आदर्श देता है, मॉडल देता है, सवाल खड़े करता है, इतिहास बनाता है, नई संस्कृति बनाता है, नई परंपरा बनाता है, क्यों। तो वो फिर इतिहास में जाता है। राहुल सांकेत ने कितना काम किया, अथक काम किया। काशी प्रसाद जसवाल उनके अग्रस्त थे, उनपे मेरी PhD है। राहुल सांकेत जी ने अथक काम किया है, उनको फंडिंग काशी प्रसाद जसवाल करते थे।
और उनको उन्होंने जितना काम किया, बहुत सारे लोग माने ऐसे रहे हैं, मैं तो बाबा साहब के साथ बहुत जाता रहा। जब मेरा ये नावल आया, बाबा साहब जब बड़ौदा में गए और जिस जिस गार्डन में बैठ के रोए, वो अब पूरा ये बन चुका है। बाबा साहब का नाम है उसमें, मूर्ति भी लग गई है बड़ौदा जी। मैं वहाँ भी गया, जहाँ जहाँ बाबा साहब जाते थे अपने देश में उपन्यास लिखने के लिए, वहाँ वहाँ गया। अच्छा जी, क्या? और एक डायलॉग में बता रहा हूँ जो मैंने लिखा है। एक चिड़िया है ऊपर से बैठी हुई है, एक कल्पना है, यथार्थ से उपजी हुई कल्पना है कि वो चिड़िया का डायलॉग है कि देखिए हम पेड़ पर हैं और हम जातिवादी बंधनों में नहीं बंधे हुए हैं, हम यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कि बाबा साहब कुछ करो इसके लिए, चिड़िया कह रही है माने। उसी गार्डन में बैठे हुए, गार्डन में वहीं बैठे हुए बाबा साहब। में बड़ा पेड़ था, मतलब उस तरह का मैंने उसको ये किया है, मैंने जरा ड्रामेटाइज किया है, ड्रामेटाइज किया है कि चिड़िया से डायलॉग होता है क्यों। तो वो तमाम चीजें उसमें, और हिंदी का पहला उपन्यास श्रीमान जी महानायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये माने हमको अपना इतिहास बताना चाहिए, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा हैं। और अंतिम बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नेताओं की बात नहीं है, हर पांचवें परिवार में एक इतिहासकार है, एक राइटर है, एक सोशल वर्कर है, एक दर्शन शास्त्री है, लेकिन वो परिवार के लोग उसकी कीमत नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हैं ना, परिवार के लोग उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। घर घर में आया, दस्तक दिए मैंने माने, और लोगों को डांट भी लगाई है मैंने कि भाई आपके घर में ये आदमी बड़ा राइटर बन सकता है कल, इसकी कीमत समझिए। तो ये एक दुखद पहलू है। चलिए, हम रहें ना रहें, साहित्य अजर अमर है, ये जिंदा रहेगा। अम्बेडकर नामा भी जिंदा रहेगा, और अम्बेडकर नामा मुझे भी जिंदा रखेगा, और हमारे सब दोस्तों को भी जिंदा रखेगा। ये थे मोहनदास नमिश्राय साहब। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी में से है, सक्सेस और इंस्पिरेशन क्या होता है ये समझिए। मैं ये सीरीज चला रहा हूँ बिजनेस में, दलित एंटरप्रेन्योर्स पे, लेकिन इंटेलेक्चुअल भी इंस्पिरेशन होते हैं, उनकी एक सफलता की कहानी होती है, उनकी भी एक जीवन यात्रा है, संघर्ष है। और इंटेलेक्चुअल जब भी लिखता पढ़ता बोलता है तो अपने लिए नहीं बोलता है, उस समाज के लिए, समाज के बिहाव पर बोलता है। उसकी कीमत भी बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल्स को चुकानी पड़ती है, कई मुकदमे झेलने पड़ते हैं, आर्थिक नुकसान हो, शारीरिक नुकसान हो, मुकदमे हो, तमाम झेलने पड़ते हैं। तब भी सही इंटेलेक्चुअल वही है जो अपने समय के जलते हुए प्रश्नों पर, जलते हुए सवालों पर, जलते हुए मुद्दों पर सवाल खड़े करता है, वही इंटेलेक्चुअल, और लोगों को जागृत करता है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।